तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल की कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा जो है ऑफिस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जैसे कि पासवर्ड डालते हो तो स्टार आ जाए, किसी का डिजिट मेंटेन करना हो, या कोई टैक्स प्रीफिक्स सफिक्स अगर किसी नंबर का आगे पीछे लगाना हो बट आपका नंबर नंबर फॉर्मेट में रहे, तो उस केस में हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को। चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। तो मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दिया है और मेरी एक्सेल फाइल हमने ओपन कर ली है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि हमारी नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, चलिए उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। जो नंबर फॉर्मेटिंग होता है वो होता है कि आप नंबर कुछ और टाइप करो और वहाँ पे शो कुछ और हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया और यहाँ हमारे नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर में आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जनरल होता है। इसमें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ आपको सामने होता है कि आप यहाँ पे देश में प्लेसेस, यहाँ पे अपने जो डॉलर साइन है वो दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, अकाउंटिंग में भी आप सिर्फ डॉलर के साइन दे सकते हैं, डेट अपना डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, परसेंटेज, फ्रैक्शंस में जैसे कि 2 पॉइंट अगर आपने 5 दिया है तो फ्रैक्शंस की मदद से 2/1/2 इस तरह का जो है ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाफ लेवल कर दिया तो यहाँ दिखेगा 2/1/2। लेकिन इसमें जो होता है कस्टम फॉर्मेटिंग। जैसे कि मान लीजिए कि इस कॉलम में मुझे चेक नंबर लिखना है और पूरे के पूरे कॉलम में हमें चेक नंबर ही देना है तो बार बार हमें यहाँ पे चेक नंबर अगर 6 डिजिट का है तो ठीक है, लेकिन अगर चेक आपके 6 डिजिट का नहीं है तो एवरी टाइम इंसर्ट द सिंगल कोड एंड आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नंबर डालते हैं 0 लगा के 00123 54 तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इंसर्ट द सिंगल कोड यहाँ पे 2356 डालेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। बट पूरे कॉलम में मुझे अगर चेक ही लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर दें और वापस यहाँ पे आते हैं सिंगल कोड 0012। ओके सर, अब मुझे सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर सिंगल कोड के लिखेंगे आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको किसी ने नंबर भेज दिया है इस तरह और मुझे इसके आगे 0 एक्सेप्ट करना है तो आपको अगर जस्ट प्रिंटिंग पर्पज से चाहिए तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट नहीं माफ कीजिएगा कस्टम और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम, क्योंकि 6 डिजिट होते हैं तो 6 यहाँ पे डाल देंगे। जी हाँ, 6 डालेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, ये देखिए आपके सामने आ गया। पर ध्यान रखिएगा कि जो 1 2 3 है और यहाँ मान लीजिए हमने सिंगल कोट लगाया 0001 2 3 लिखा, अब देखने में दोनों बराबर दिख रहे हैं। अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया एरर को, अब देखने में AP बराबर है और AB बराबर है, राइट सर। बट अगर इसको आपस में ये करते हैं, मैच करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हुए क्योंकि जस्ट 1 2 3 है और ये है 0001 2 3। तो अगर आपको एक्चुअल में चाहिए ताकि मैच कर सके तो जैसे मैं 1 2 3 एक्चुअल चाहता हूं तो आप यहां टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे 0000 और यहाँ पे एंटर प्रेस करें और फिर ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे इक्वल, हमने नीचे वाले को सेलेक्ट किया, एंटर मारा, रिजल्ट आपके सामने ट्रू आ रहा है। ओके सर, आशीष जी समझ में आया आपको? जी बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब और क्या क्या किया जा सकता है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए
मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल नंबर में अगर +91 लगाता हूँ तो दिक्कत हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा कस्टमिंग, और यहाँ पे +91 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हम जीरो डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसमें +91 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट नंबर लिखें +9 लगा सकते हैं। अब देखिए जीरो हमारा ज़्यादा पड़ गया इसलिए एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, तो यहाँ हम एक जीरो घटा देते हैं। यहाँ हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास आईडी है, हमारे पास अब यहाँ पे आईडी है, मैं चाहता हूँ हर 3 डिजिट में यहाँ पे जो है डैश लग जाए, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे डैश, 1 2 3 और यहाँ पे डैश, और अगेन 1 2 3 और यहाँ पे डैश। अब देखिए मैं कोई भी नंबर लिखूँगा तो यहाँ पे हर 3 के बाद डैश लग जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ और है, अकाउंट नंबर हम लिखते हैं किसी का। तो देखिए कोई भी नंबर अगर नंबर फॉर्मेट में एक्सेल में लिखा जाता है तो 11 डिजिट तक आपको दिखता है, जैसे आप 12 डिजिट डालेंगे वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा। तो इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लाने के लिए सिंपल एक तरीका है कि बस यहाँ पे एक हैश दे दीजिए यार, ओके। देखिए कहाँ तक ये आएगा, 14 15 डिजिट तक। जैसे मैं 16 डिजिट या उससे आगे का डिजिट डालूंगा तो क्या होगा, वो तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल के अंदर में आप 15 डिजिट से ज़्यादा एज ए नंबर में नहीं डाल सकते, अगर डालते हैं तो वो जितना डिजिट ज़्यादा होगा उतना 0 लगा देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल में आप इससे ज़्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, 15 डिजिट से ज़्यादा की कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। ऐसे ही मुझे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर जो हम डालते हैं वो इस तरीके से डालते हैं कि पहला 4 डिजिट, उसके बाद XX, फिर XX, और फिर लास्ट के 4 डिजिट। पर क्या कि मुझे डालना होता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 8 डिजिट डालो, बीच में एक्सेस अपने आप लगा दे। तो यहाँ पे कस्टम में हम आते हैं, और कस्टम में आने के बाद पहला 4 बार 0 लिखते हैं, 2 3 4, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक्स डबल यहाँ पे 4 टाइम एक्स, फिर 4 टाइम एक्स, और यहाँ स्पेस देता हूँ, हाँ, उसके बाद जो है आप यहाँ 4 टाइम 0 कर देते हैं, एंटर मारिए। अब यहाँ पे कोई भी नाम हम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बीच में एक्स एक्स लग जाएगा। आशीष जी समझ में आया आपको ये? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर, ओके ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर हमने लिखा तो +9 होगा, अगर मान लीजिए नंबर कम लिखूंगा 0 लगा देगा, तो मैं फिर इससे पता नहीं लगेगा ना कौन सा नंबर कम है कौन सा नंबर ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ डिजिट मेंटेन ना करे बट प्रीफिक्स सफिक्स दे, मतलब कि आगे +91 ऐड करे बट 0 ना लगा दे अगर नंबर कम हो, तो नंबर कम है तो कम ही रहे। तो उस केस में आपको कस्टम पे जाना है, 0 के जगह पे आप हैश कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब 0 हैश का क्या फंडा है, चलिए समझते हैं 0 हैश का फंडा क्या है। देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिखा, लेकिन मुझे इस नंबर को लिखना है MRP 1500। अगर मैंने इसको मैनुअल लिख दिया तो मैं इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन ना कर सकूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट आ गया तो टेक्स्ट हो जाएगा और उसके ऊपर किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं है तो एरर शो करेगा।
तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 1500 लिखा और हमने यहाँ पे गए कस्टम कॉमेट पे, कस्टम में गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं MRP कर दिया, और MRP को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डाला, क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला, राइट सर? ठीक है सर, राइट। पर प्रॉब्लम है कि अगर आप इसके आगे पीछे नहीं डाले, कुछ नहीं लगाएंगे, तो MRP ही शो करेगा। मतलब आपका जो टाइप किया हुआ नंबर्स हैं, वो नंबर्स को शो करने के लिए यहाँ जीरो या हैश लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये नियम है सर। ओके सर, तो टेक्स्ट होगा वही शो होगा, नंबर शो नहीं होगा। तो नंबर कब शो होगा, जब इसमें आप जीरो या हैश लगाते हैं। अगर मैं दो हैश या दो जीरो लगाऊं तो अब यहाँ पे मैं दो जीरो या दो से ज्यादा जीरो लगाया, फिलहाल दो मान लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ेगा, जब मैं लिखूंगा वन डिजिट में, तो ये क्या कर देगा, 05 कर देगा। ओके ओके, अगर तीन डालोगे तो 005 कर देगा, चार डालोगे तो 0005 कर देगा। जितना मतलब जितना जीरो डालोगे उतना डिजिट मेंटेन करेगा, जितना कम होगा उतना डिजिट डालेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, हैश भी डाल देते हैं, तो हैश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हैश से जीरो का फंडा समझ में आ गया आपको सर? अब ये आप दो हैश, डाले या दो से ज्यादा डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैश मतलब कि जितना टाइप करोगे उतना ही शो होगा। अच्छा, लेकिन जीरो के लिए चेंज होगा, जीरो के लिए होगा कि जितना टाइप करोगे वो, अगर जितना जीरो आपने डाला उससे कम हुआ तो उतना जीरो आगे लगा देगा। चले ठीक है सर, ओके राइट। अब किसी ने मुझसे पूछा सर आगे लगता है पीछे नहीं लगेगा, हमने पीछे लग जाएगा तो फिर उसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। सही है सही है, ठीक है ठीक है सर। चले अच्छा, पीछे भी लगाया जा सकता है, कैसे मैं ट्राई करता हूँ। जाइए, मैंने यहाँ पे जीरो दे दिया, उसके बाद स्टार जीरो कर देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, ये क्या करेगा, जितना कॉलम का साइज होगा ना उतना जीरो दे देगा। तो अगर कोई यहाँ पे अगर अपना हैश जीरो डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे स्टार के बाद जो भी करेक्टर डालेंगे ना, वो करेक्टर आपके नंबर के हिसाब से, अभी कॉलम के साइज के हिसाब से रिपीट हो जाता है। लेकिन ये कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा ये ना, अगर विजिबल है सी। हम जो फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं वो फॉर्मेटिंग जस्ट विजिबिलिटी देता है, ओरिजिनलिटी नहीं देता है। ओके, कोई भी फॉर्मेटिंग, चाहे वो कस्टम हो, कंडीशनल हो, नॉर्मल हो, इसलिए तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि हमें ओरिजिनल मिल सके, ताकि हम उसकी बिहाफ से कैलकुलेशन कर सके। ओके सर, अब जो हैश और जीरो का फंडा हुआ है उसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 54.36 कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टम यहाँ दूंगा जीरो डॉट नहीं, हाँ यहाँ पे जीरो हैश और फिर दूंगा रुपीज, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि मैंने जीरो हैश क्यों लगाया, मैं यहां पे दो बार हैश भी लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, लेकिन जैसे आप डेसिमल में लिखोगे तो ये ₹36 आएगा, थोड़ा सा और लगेगा, क्या सर? जी सर, अगर मैं यहां पे डबल जीरो कर दूं तो क्या होगा, तो डबल जीरो दिखेगा, ये भी और लगेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने सिंगल जीरो दे दिया तो ठीक है, लेकिन जब 5.36 करूंगा, 5.36 करूंगा तो 05 नहीं आएगा, जस्ट 5 आएगा।
इसलिए हमने एक जीरो और एक हैश दिया कि एक डिजिट मेंटेन रहेगा और मतलब कि दो डिजिट मेंटेन रहेगा यहाँ पर। डेसिमल में हमेशा आप डॉट डॉट जीरो जीरो कीजिएगा, डेसिमल में हैश कर दीजिएगा तो क्या होगा आपका 60 पैसा होगा, 60 पैसा होगा, 6 पैसा दिखाएगा। ओके सर, तो वहाँ पे करना जरूरी है। अब 1000 की बात करें, यहाँ पे 50,000 हमने लिखा, अब मुझे इसको अमाउंट इन 1000 में करना है तो कस्टम पे आता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं एक हैश कॉमा, बस एक हैश और कॉमा आ गया सर। ओके, और इसका आगे पीछे हम के कर देते हैं, बट कैलकुलेशन 50,000 से ही होगा, 25,000 से ही होगा, 25,000 से ही होगा। और ये इसमें हमने गलत लगा दिया एक, मान लीजिए मुझे इसमें 1,000 ऐड करने हैं, 25,000 प्लस ए 1,000, 26,000, ठीक है सर? ठीक है सर, तो अमाउंट 1,000 में कर सकते हैं। दूसरा होता है मिलियंस में, इसमें जो है हम तो यहाँ पे हम आते हैं 0.00 और डबल कॉमा 7.90 मिलियन, ठीक है सर? ठीक है सर, इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिस में आराम से कर सकते हो। जी सर, डेट पे यहाँ पे हम करते हैं मान लीजिए डेट का, तो आज ही का डेट डालता हूँ, तो डेट का फॉर्मेट ये दिखा, आपके पास ऑलरेडी डेट के कई सारे फॉर्मेट है, वहाँ से आप अपना डेट का फॉर्मेट डाल सकते हैं, ठीक है? अलग ठीक है सर, बट आप अपने हिसाब से भी डेट बना सकते हैं। कस्टम में आइए, ये आपका डी होता है डे के लिए, दो बार डी करेंगे तो 01 के फॉर्मेट में आएगा, तीन बार करेंगे तो संडे मंडे ट्यूजडे आएगा, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, चार बार करेंगे तो फुल आएगा, फिर डी डी कर दीजिए, एटीन में क्या प्लस करेंगे, एटीन है, और यहाँ पे एमएम कर दीजिए तो मंथ आता है 012 के फॉर्मेट में, ट्रिपल कीजिएगा तो मंथ शॉर्ट नेम आता है, चार बार कीजिएगा तो फुल नेम आता है, सेम वाई वाई। तो इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी आगे पीछे ऊपर नीचे, पहले डेट डालिए फिर मंथ डालिए फिर ईयर कीजिए फिर या फिर ईयर कीजिए फिर डेट डालिए फिर मंथ कीजिए, अपने हिसाब से जो फॉर्मेट रखना चाहो उस फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। ओके सर, उसी तरह से टाइम का है, यहाँ पे टाइम का जो होता है वो होता है HHMMSS, आवर एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकेंड, AM PM करना है तो AM/PM, ठीक है सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम को कन्वर्ट करना हो, जैसे 45 घंटे 20 मिनट है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो विजिबिलिटी चाहते हैं जस्ट, आपको क्या करना है, कस्टम में आना है और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में एम डाल दीजिए, आपका दिख जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो टेक्स्ट फार्मूला, इसमें आप जो है इन्वर्टर कॉमा के अंदर में स्क्वायर के अंदर एम डाल, रिजल्ट आ गया सर? आ गया सर, किसी को दिक्कत? तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट ए है, ठीक है? ठीक है सर। अब पार्ट बी जो होगा उसको करने से पहले एक आर्टिकल आपको पढ़ना होगा। ओके, ये आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अब ये आर्टिकल में क्या है कि कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल में बताया गया है, अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसमें और एडवांस क्या हो सकता है, ठीक है? ठीक है सर,
तो कस्टम फॉर्मेटिंग की ये जो लिंक है हम आपको अभी जस्ट शेयर कर रहे हैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे। ओके okay. इसको स्टडी कर लीजिए। कल हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। आज की रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में, अगर आपने रिकॉर्ड कर ही लिया है ना।